हाय आ आ गए हाय ओह हाँ कैसी हैं आप अभी तक तो ठीक हूँ सुखी हूँ मैं सुखी ओके सो okay. so, सिल्पा जी बहुत ही फिट एंड ब्यूटीफुल भी हैं आप एंड सो uh, so, कभी-कभी ऐसा होता होगा कि कुछ एक आड़े तेरे बूढ़े एंड कुछ एक जवान भी देखते होंगे आपको सो so, सुख कहाँ मिलता है आपको <laughs> आपकी गिनती है इन आड़े टेड़ों में मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी आई अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू वॉट इज इट दैट यू लव द मोस्ट अबाउट सुखी जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी क्या ऐसी चीज थी इस कैरेक्टर के बारे में जिससे आपने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे आप <laughs> किधर जा रहे हैं एक और फिल्म का ट्रायल है क्या या ट्रेलर रिलीज़ ये दत्ता जी अच्छा ये दत्ता सुनील जी किधर रिलीज करके अच्छा चलो जाओ फिर जाओ <laughs> आ तो सुखी वैसे इस पिक्चर में मैं मेरा जो किरदार है वो लीड का ही है लेकिन इस पिक्चर में मैं लीड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सुखी जो है इस फिल्म में लीड नहीं कर रही है उसको बैक सीट पे बिठा दिया गया है और बैक सीट से जो फ्रंट सीट वाली जर्नी है उसकी वो देखने लायक है और उसी के बारे में है सुखी आ, ये जो जर्नी है उसकी उसके दोस्तों के दोस्तों के बग़ैर पूरी नहीं होती आ, उनका किरदार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है तो इस फिल्म में मेरे पति जो प्ले कर रहे हैं उनका किरदार बहुत अहमियत रखता है आ, मेरी बेटी उसका जो किरदार है वो बहुत इम्पॉटेंट है एक पारिवारिक फ़िल्म है और जितने भी रिश्ते हैं हमारी ज़िंदगी में वो सारे रिश्तों को कवर करता है एंड दैट्स वाई सुखी इज़ सो ब्यूटिफुल इट्स सो होल सिम और आई uh, थिंक कभी कभी ज़िंदगी में कोई सीरियस बात छेड़ने के लिए हमें हंसी हंसी का सहारा लेना पड़ता है एंड आई थिंक वी व्यूज ह्यूमर एज अ क्रच लेकिन उस बात में बहुत सच्चाई होती है उस बात को ताकि वो बात कड़वी नहीं लगे आई थिंक हंसी मजाक में उन चीज़ों को हमने टच अपॉइंट किया है एंड सोनल शी हैज़ बीन ब्रिलियंट हमारी जो डायरेक्टर साहिबा है सोनल जोशी शी इज़ बिन ऑफ द फैमिली एंड द कैप्टन ऑफ आर शिप एंड आई फील सो प्राउड अबाउट दिस फिल्म तो इट्स वन ऑफ़ माई मोस्ट आई थिंक फेवरेट कैरेक्टर्स मेरे थर्टी ईयर्स के करियर में मैंने बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं

विक्रम मल्होत्रा ही हैज़ बिन द मोस्ट अमेजिंग पर्सन ओ टी टी का दौर चल रहा है बहुत आसान होता उनके लिए अगर ये फिल्म वो ओ टी पी ओ टी टी पे लगा देते लेकिन आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट पूरा श्रेय इनको जाना चाहता जाना चाहिए कि इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं दिस फिल्म रिलीज शुड भी रिलीज इन दिएटर्स एंड

Uh, firstly, congratulations to each one of you. Uh पहले तो it's uh, also a film, uh, you know, about a lot of things, but mostly about female friendship, and I just love it. You know, it's a story for women by a woman, and this is something that I am really excited about. So, uh, one question to you know, kind of each one of you. Uh, this is Sonal ka directorial debut. Okay, um, how was it like working with her? Jodi, we can start with you. Uh, I um, it's it's one of my first films where, from the table read to the final product, uh, I had the same amount of joy or tears or uh, that feeling of being overwhelmed. It all was so consistent because Sonal has been. So meticulous. I have not seen a director give so much attention to every single artist, every single line. And she knew exactly what she wanted from us, yet gave us the freedom to play around and be like, okay, try it. If it doesn't work, I'll tell you. So the confidence for an artist when they know that my director will not let me do anything crazy, and yet she's letting me, she's letting me explore as well. It was one of my most, most satisfying and amazing and joyful experiences ever. Thank you, wow. uh, I did the film for Sonal. I spoke to her. The first time I went for the meeting, I spoke to her for, I thought, "Are going meeting Hogi?" But it became a two-hour conversation. When I left the office, I was like, <laughs> So thank you. Thank you, really, thank you so much.) Um, आई हैव नेवर मेट अ डायरेक्टर हु वॉज सो ट्यून्ड इन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म शी न्यू द स्क्रिप्ट लाइक द बैक ऑफ अर हैंड सो इफ वी फो गॉट लाइन लाइक मैं बताती हूँ ना ये लाइन है कोई भी लाइन भूलता था बीट अ स्मॉल और अ बिग कैरेक्टर शी वुड नो द लाइन एंड शी वुड नो हाउ टू इमोट इट एंड एट सम पॉइंट वी वर टाइंग टू इमिटेट हर बिकॉज शी वर सींग इट सो कन्विंसिंगली लाइक ऐसे बोलना है बहुत बढ़िया लग रहा है So she is an actor's dream director to work with. She gives her, give the actor so much freedom, so much patience at the same time, and so much um, uh, leverage to contribute to the scene, which is very hard to find. So thank you so much for being that. And thank you for this film. Thank you for Suki.) <laughs> बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं सोनल शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल टू वॉच आउट फॉर और एक वुमन डायरेक्टर होना फॉर वुमेन आर्टिस्ट इट्स पॉसिबली द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस पर सोनल की कुछ बढ़िया बातें बनाती हो क्योंकि बाकी सब तो अच्छा ही बोलेंगे इनके बारे में तो uh, सोनल को uh, मुझसे तो बहुत प्रॉब्लम थी सेट पे क्योंकि मेरा एक ही काम था कि कुछ भी हो रहा है तो जाके मैम को इंगेज कर लेना शिल्पा मैम को कि अच्छा मैम आप बताइए कैसे करती हैं आप खा क्या रही हैं क्या कर करिए एंड शी वुड बी लाइक कुशा को दूर करो प्लीज़ इनसे सीन से पहले नहीं आना चाहिए इनकी एक और खास बात है कि ये हमेशा ऐसे रहती है तो आपको पता ही नहीं है कि ये इनको आपका शॉट अच्छा लगे बुरा लगे ये खुश हैं वहाँ पर कि नहीं तो शी इज अ मिस्ट्री ट्रूली शी इज़ अ मिस्ट्री बट इट हैज़ बिन अ ड्रीम टू वर्क विद हर ये जब आपको कोई सीन समझाती हैं इन्होंने ना पी रखी है सुखी एक्चुअली इन्होंने पूरी आ, अच्छे से कूट कर पी रखी है इनके इनके रग रग में सुखी बस चुकी है और तभी जो आप देखेंगे जो फिल्म बनी है वो इतने दिल से इतनी ऑनेस्टी से और इतनी फेक स्माइल से बनी है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू नो कि हमारी डायरेक्टर आज सुखी हैं कि फाइनली सुखी आ गई वी सेलिब्रेट यू टूडे सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेशन शिल्पा मैम मैं तो मेरा तो हो गया एक और नाम मैंने मैं मैं भूल गई भूली नहीं एक्चुअली अगेन आई ऑलवेज सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट वी हैव टू एक्नोलेज भूषण जी भूषण कुमार जी जो मैंने उनको बोला मुझे मुझे भी एक लैम्बरगिन दे दो तो आज आए ही नहीं बट नेवर द लेस थैंक यू फॉर शोइंग फेथ इन आ फिल्म एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट

आई थिंक आई एम रियली लक्की दैट आई गोड वर्क विद हर एंड वर्क विथ हर मीन्स was such a beautiful experience क्योंकि uh, इतना ईजी बना दिया था शिल्पा ने um, काम करने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था एक स्टार के साथ काम कर रहा हूँ कैसे होगा आप यू नो विल शी बी फाइन एंड बट शी वॉज ब्रिलियंट एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी टू डू माई बेस्ट एंड आई थैंक यू फॉर दैट एंड दूसरा मैं अपने डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ तो ये जो मेरी डायरेक्टर है आई थिंक ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई बिकॉज इसने जितना टाइम दिया मुझे एज एन एक्टर टू रिहर्स विद हर टू गो थ्रू एवरी लाइन गो थ्रू एवरी सीन और जितना अच्छी गाइडेंस इन्होंने मुझे दी है हर एक वक्त जब भी मुझे कुछ सवाल पूछना था शी वाज ऑलवेज देर शी ऑलवेज करेक्टेड मी जब मैं ऑफलाइन जाता था तो मुझे ऑनलाइन लेके <laughs> ले आती थी एंड आई थिंक वर्किंग विद हर सोनल योर द बेस्ट जान नहीं पा रही थी नॉर्मली <laughs> <laughs> मास्क के साथ आती है वो सेट पे तो फर्स्ट टाइम विदाउट मास्क सो अच्छा ये आपका चेहरा है फोटोज यस लेट देम टेक अ सीट फर्स्ट आप चेयर्स ले आइए एंड uh, था था फोटो एक मिनट अच्छा ठीक है इफ आर सुखी मैम किन प्लीज कम इन द सेंटर एंड सुखी के दोस्त Right now, it's your debut as a director. Come on, it, it's got to be huge. So, are you nervous? Are you excited? How do you feel right now? Um, I think uh, very, very nervous, uh, very excited, uh, super emotional. Uh, uh, actually, I have a emotions in because the journey, uh, like you know. Uh, नॉट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री पता भी नहीं था इंटर्नशिप भी कैसे मिलेगी किसी फिल्म में फ्रॉम देयर टू सिटिंगयर चैटिंग विद यू अबाउट माई डायरेक्टोरियल डेब्यू विच इज़ गू बी रिलीजिंग इन अ फ्यू डेज मैं यार मैं आई एम लिविंग माई ड्रीम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिज मीडिया पर्सन जैसे मैं देखती थी सोशल मीडिया पे और जगहों पर इन लोगों को कवरिंग एवरीबडी सो आई एम ऑलरेडी लिविंग अ ड्रीम एंड आई जस्ट आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल Wow, you know I love when people uh, get to talk about their dreams and how they made it happen. Because each one of us sitting here, I think we all had a dream, and here we are now. Uh, so, um, Sonal, one more question: yeah, this, this entire story, you know, how and when did it come to you? Um, actually. कहानी मेरे पास बहुत टाइम से थी uh, हमारे जो राइटर्स हैं अमेजिंग uh, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है इस फिल्म पे राधिका रूपी पॉलिमी यहीं पे हैं uh, क्या है कहानी डायरेक्टर्स के पास बहुत होती हैं कुछ थोड़ी स्पेशल होती हैं कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल होती हैं तो सुखी वॉज़ वन सच स्टोरी फॉर मी नॉट ओनली बिकॉज इट फेल्ट जैसा मैम ने कहा बहुत होल्सम कहानी है ह्यूमर है ड्रामा है इमोशन है इट फील्स वेरी रिलेटेबल बट उससे बिगर रीजन मेरे लिए ये था पर्सनली आई सी अ लॉर्ड ऑफ माई मदर इन द स्टोरी जिंदगी में यार माँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो हूँ उनकी वजह से हूँ सो बिकॉज ऑफ दैट सर्टन नुअंसिस ऑफ द कैरेक्टर्स सर्टन सर्टन सिचुएशन इंसिडेंट्स फ्राम हर लाइफ वी ट्राई टू इनकॉपरेट इन द स्टोरी एंड तो उस वजह से कहानी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है दिल से आती है एंड मैंने इसलिए दिस फिल्म इज स्पेशल फॉर मी एंड आई एम ग्लैड ए गॉट टू मेक दिस स्टोरी एज़ माई फर्स्ट फिल्म

मुझे ये लगा था कि ऐसी कितनी सुखी मेरे आसपास हैं मेरे अपने परिवार में मेरे दोस्तों के परिवार में ऑल थ्रू माई ग्रोइंग आप वी सीन कैरेक्टर्स लाइक दिस दिस इज़ अ वेरी रिलेटबल वेरी रियल फिल्म इस फिल्म को बैक करने में कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने ये कहानियाँ ये किरदार असली ज़िंदगी में इतने देखे हैं और इतने देखते हैं और देखते रहेंगे कि इसका कन्विक्शन नेचुरल है और ऑब्वियस है और वैसी ही एक फ़िल्म बनी है ये फैंसी uh, नहीं है ये ग्लैमरस नहीं है ये अनरियल नहीं है ये एस्पिरेशनल नहीं है ये रिलेटेबल है ये उन लेडीज़ की कहानी है उन रियल लेडीज़ की कहानी है जो हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास हैं और हमारे अपने घरों में हैं एंड दैट इज़ व्हाट वी होप टू प्रेजेंट टू ऑडियंस इन अ फ़न मैनर

There are so many women. Your director is a woman, also the cute one. <laughs> so how is it? <laughs> so how is it working with her? I mean, she's young and cute. And what kind of, uh, uh, you know, uh, your confidence did you have in her when you took up the film? Well, this is not my first woman-centric film. is this, I. woman-centric ki baat kar rahe धड़कन की थी मैंने वो भी वेमेन सेंट्रिक थी आ, फिर मिलेंगे की थी मैंने वो भी वेमेन सेंट्रिक ही थी और इनके क्यूटनेस पर मत जाइए शी इज क्वाइट अ हार्ड टास्क मास्टर क्वेश्चन क्या था वॉट इज डिफरेंट कॉन्फिडेंस वेल शी इज वेरी क्लियर ऑन सेट से नॉट जस्ट ऑन सेट आई एम से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिस दिन वो नरेशन के लिए आई थी उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पहली बात तो रिफ़र करने के लिए आई न्यू राइट अभी इतना काम किया है मैंने कि मैं इतना तो पहचान सकती हूँ कि इनको काम आता है कि नहीं आई रियलाइज फ्रॉम डे वन कि ये बहुत मतलब पैशनेट हैं एंड वेन आई रीच्ड ऑन सेट एंडन शी वेरी स्वीटली रिक्वेस्टेड मी अभी इतनी इतना काम करने के बाद इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा इनको भी कॉन्फिडेंस होगा मेरे काम पर लेकिन शी रिक्वेस्टेड कैन बी डू अ वर्कशॉप सो दिस फिल्म वॉज द फर्स्ट फिल्म मेरा डिड अ वर्कशॉप सो आई टू अनलर्न एवरीथिंग दैट आई हेड लर्न विच इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सरसाइज तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे क्योंकि आई रियली फील आई एम एन यू नो एम अ डरेक्टर्स एक्टर तो जितना भी मुझे श्रेय मिलेगा इस फिल्म में से आ, इनका उसका पूरा श्रेय इनको जाना चाहिए एंड फिर सोनल बोलती है अगर आप अच्छी नहीं लगी ऑडियंसिस को फिर वो वो क्रेडिट मुझे मत देना बट <laughs> मुझे आ, बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको पिक्चर ही नहीं ये किरदार और सारे किरदार बहुत आ, बहुत प्यारे लगेंगे एंड इट्स अ फिल्म दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी एंड शी इज़ डन सच अ वंडरफुल जॉब हर हर बेस इज सुपर जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करती है इनका जो विजन है वो कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहती है वो ग्राफ एंड आई लव द फैक्ट दैट शूट समटाइम्स ऑल्सो उनको पता है कि कहाँ एक्टर को छोड़ देना चाहिए और कहाँ पे उनको पकड़ के रखना चाहिए वो बहुत मुश्किल होता है यू you नो know?

So, कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ एक आड़े तेड़े बूढ़े एंड कुछ एक जवान भी देखते होंगे आपको सो so, सुख कहाँ मिलता है आपको आपकी गिनती है इन आड़े टेड़ों में <laughs> ये चल रहा है? देखिए हम हम एक्टर है हमारा काम है एंटरटेन करना जनता कैसी भी हो हमारा काम है उन उन सभी को एंटरटेन करना तो वी आर नॉट जजमेंटल मैं जज तभी करती जब मुझे पैसे मिलते हैं टीवी पे <laughs> जज नहीं करती हाय <laughs> शिल्पा आ, आप इस फिल्म में पंजाबी कुड़ी बनी है हाउस वाइफ आपके सासू माँ और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था आपको देखते <laughs> वो बहुत उत्सुक है इस uh, इस किरदार को थिएटर में देखने के लिए मेरे पति ने तो देखा हुआ है ट्रायल एंड आई हैव टू से मैं बताना चाहूँगी जब विक्रम और सोनल आए थे मेरे पास uh, इस स्क्रिप्ट को लेकर ऐसा कुछ हो गया था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये फ़िल्म शायद नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई वॉज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड तो मैंने विक्रम और सोनल को uh, कहा कि शायद अभी मैं मैं उस माइंड स्पेस में हूँ नहीं तो आप किसी और को ले लीजिए और मैंने दो तीन नाम भी दिए थे उनको कि इनको इनके पास चले जाइए <laughs> तो वो मैं नहीं बोलूँगी मुझे सुखी रहना है <laughs> आ, लेकिन इनकी अच्छाई देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी इन्होंने ठान लिया था कि अगर सुखी का किरदार कोई करेगा तो बस मैं ही करूँगी एंड आई जस्ट फील के इट इज़ दैट कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दैट काइंड ऑफ वो जो फेथ इन्होंने मुझ में प्लेस किया ये पिक्चर फिर आठ महीने के बाद इन्होंने वेट किया विक्रम ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वेन एवर यू आर रेडी यू टेल मी दैट टाइम वी विल टेक द फिल्म ऑन द फ्लोर्स और आठ महीने तक इन्होंने वेट किया एंड ही एडजस्टेड एवरी स्टेप ऑफ द वे एंड व टू एट दिस येट मैंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं सुखी और शिल्पा ऐसा पहला कॉन्वर्सेशन था जहाँ एक लीड एक्टर ने मुझे कहा था कि मैं ये फ़िल्म नहीं कर सकती और नाम सजेस्ट करे थे और बहुत परसू करा था सोनल को और मुझे कि मुझसे ये फिल्म मत करवाओ नॉर्मली हो। उल्टा होता है अगर कोई स्ट्रॉग कैरेक्टर होता है अच्छी फिल्म होती है अच्छी कहानी होती है तो एक्टर्स आपको परसू करते हैं कि हमें ये फ़िल्म करनी है शिल्पा ने हमें रिवर्स परसू किया था कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है बट हियर वी आर एंड थैंक यू सो मच नो सो द रीजन आई वाज कमिंग टू द मेन रीजन टू आंसर योर क्वेश्चन द पर्सन हु कन्विंस मी टू डू दिस फिल्म वाज माय हस्बैंड राज ने स्क्रिप्ट पढ़ी और एंड एज अ मैन इमेजिन ही रेड द फिल्म द स्क्रिप्ट एंड मैं कहीं बाहर थी और स्क्रिप्ट मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था मैंने कहा यू नो दिस इज दिस ब्यूटीफुल फिल्म बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीच में मुझे दो तीन बार फ़ोन किया हंसते हंसते एक बार एक बार मतलब ये कहते हुए कि अरे यार, यार बड़ा अच्छा सीन है ये तो और एंड में व्हेन आई केम बैक होम उन्होंने कहा आई यू क्रेजी यू हैव टू डू दिस फिल्म तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि बाकी तुम करो नहीं करो दूसरी चीज़ें लेकिन इस फिल्म को ज़रूर करो तो दैट जर्नी ऑफ एट मंथ्स वॉ इज़ बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज ही पॉस्ट मी टू डू इट एंड ही टोल मी दैट दिस इज दिस इज हम सब में एक सुखी है ही सेट टू मी तो एक आदमी का नजरिया अगर ये हो सकता है यू नो फॉर अ वमेन औरिएंटेड फिल्म हम सब में एक सुखी है हम सब के ड्रीम्स अनफुलफिल्ड है हम सब कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को मारते हैं दूसरों के लिए uh, हम सब किसी ऊँचाई तक पहुँचना चाहते हैं uh, और फैमिली की जहाँ तक बात होती है हमारी कंडीशनिंग स्पेशली वुमेन की हम बात करते हैं तो हमें कंडीशन ऐसे किया गया है कि हम अपने लिए कम सोचें दूसरों के लिए ज़्यादा सोचें और करें और हमें लगता है अभी इतने एक एक समय के बाद हमें ये बिहेवियर नॉर्मल सा लगने लगा है जबकि ये बिहेवियर सही नहीं है आई थिंक समटाइम्स टू लिव अ लिटिल बिट फॉर योर सेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट

Everybody off an English Winglish or a Panga, you know, both films which are very special in their own ways because it's celebrated women who want to do something out of their family life, not really compromising on their family time. Um, Shilpa, um, you know, unlike somebody who asked, I know that you've done a few films in the past. Maybe the audience wasn't ready for those films which have been really high on concept. Uh, with a film like English Winglish, when it released, Actors and producers have gone out and said that they also didn't expect it to do such great business. It was a monstrous hit. But today, do you feel that there is an audience accepting such film, relating to such films more, and thereby going and watching it more? And does it help actors like you? Absolutely. I think it's a great time for for films, for actors, and for filmmakers. At least now, there's a glimmer of hope. Now, theaters, vapus, फील होने यू नो लगे हैं एंड आई फील दिस इज़ सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इतने इंतज़ार के बाद इतना इंतज़ार करने के बाद तो आई जस्ट फील के आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम और कंटेंट तो बदलता रहता है हर दौर के साथ एंड इट्स व्हेन यू गिव देंस समथिंग डिफरेंट एंड यू गिव यू नो देंस द चांस टू सिट बैक एंड थिंक अबाउट समथिंग दैट मे बी दे नो बट nobody has put focus on. so suki is one of those films. you know, you know it exists, but nobody has ever talked about it. and not in a preachy sort of way. so, of course. so i think it's, it's a welcome change for all of us. and uh, it's a great time. so i'm definitely expecting a lot from, uh, uh, from the audiences coming into the theater for starters. <laughs> and, uh, yeah. and for appreciating good content. hello, ma'am. साक्षी शर्मा फ्रॉम आइनस माय कुशा और सुखी की फ्रेंड ईयर जैसा कि ऑन स्क्रीन देखा गया आप जो फ्रेंड जोन थे उनका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग था लेकिन अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो आप लोग की जो फ्रेंड जोन है वो कितना स्ट्रांग हो पाया था मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी एक्टर्स देखती थे कहाँ से बात कर रहे हैं कहाँ से कहाँ से पहली बार मुझे भी नहीं दिख रहा कि कहाँ से बात कर रहे हैं सो इट्स न्यू थिंग फॉर मी बहुत अच्छा था हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड एक्चुअली बिकॉज शिल्पा मैम बहुत ही कोलाबरेटिव है और द बेस्ट पार्ट अबाउट इज कि अगर वो कोई सीन कर रहे हैं ना तो वो आपको जरूर बताती हैं कि यू you नो know, uh, ऐसे कर लो इसको वैसे कर लो मुझे तो टिप्स भी देती थी बहुत और हम सबको देती थी कि बाल थोड़े ठीक कर लो ऐसे हो रहे लिपस्टिक टचअप कर लो देख लो अपनी अपना होलिया देख लो एक बार प्लीज़ शीशे में <laughs> मन एक्टिंग कर रहे हो कुछ कुछ तो कुछ तो देख लो अपने आप को एक बार सो यू नो शी वुड गिव दीज टिप्स बिकॉज इतनी ओझी हैं इनको इतना एक्सपीरियंस है तो मतलब इनके अंदर से बस वो फ्लो होती थी वो सारी जो टिप्स होती थी बट अदरवाइज ऑल्सो जब एक बार वन शी वुड से एक्शन उसके बाद हम वी वर आर कैरेक्टर्स बट वंस इट वॉज कट वी वुड गो बैक टू आर रेगुलर कॉन्वर्सेशन बिकॉज वी वो फोर ऑफ आज पवलीन दिलनाज हम चारों अगर बैठे हैं कुछ बात कर रहे हैं तो मस्ती तो हमेशा ही चलती रहती थी एंड वेपा जस्ट की वेरी नाइस ब्यूटिफुल और बहुत ही ऐसे खुशी वाला माहौल होता ही है uh, बाकी मैं तो काफी पोअर जोक्स क्रैक करती रहती थी ताकि आप बोलते रहो कि चुप हो जाए यार बस बस बसकर अब तो बसकर आई वु एडिंग हम लोग चक्ट कर बात करते रहते थे तो सोनल हैड टू लिटरली सेंड एन एडी कि उनको चुप करवाओ सीन कट हो चुका है सो दैट वाज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वी हैड डेवलप्ड ऑन सेट दैट वी कुड नॉट हियर कट हम लोग ऐसा और ऐसे रायते की तरह फैल जाते थे <laughs> <laughs> और सोनल yeah. सोनल के दिमाग का दही कर दिया था हम लोगों ने नो एंड समटाइम्स कुशा वुड बी लाइक अरे ये लाइन ऐड कर दूं ये लाइन का सो देयर वाज अ पॉइंट वेयर सोनल जस्ट

रियल लाइफ में आपको मौका मिले सब कुछ छोड़ के ब्रेक लेने के लिए तो क्या क्या रहेगा आपका रिएक्शन फिल्म दुनिया से अगर ब्रेक लेने का मौका मिले और पुराने दोस्तों से मिलने का यू you इनो know, मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने मुझसे पूछा अभी हाल ही में जब उसने <laughs> जब उसने ट्रेलर देखा तो शी सर ये रीयूनियन व्यूनियन बड़ा अच्छा प्लान है यार एक थोड़ा सा करते क्या आप यकीन नहीं मानोगे ये फिल्म में ये किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है बट मैंने अभी तक I've never had a, uh, I've never gone on a girls trip, I've never taken a holiday with my girlfriends, I've never done that. है डन दैट तो एक्चुअली ये इस, इस फिल्म ने ये सीट डाल दी है मेरे मेरे मन में and I really want to do this. तो so मेरी best friend ने मुझसे पूछा एक girls trip करते हैं तो so मैंने बोला एक मिनट में जरा diary देख लेती हूँ so तो मैंने उसको अगले साल का date दिया है तो so, yeah I mean मैं चाहती तो हूँ लेकिन बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा तो ये मेरी चॉइस है uh, जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना और मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो शायद मैं वो भी कर लूँ लेकिन अब वो टाइम नहीं आया है मुझे लगता है अभी सुखी होने का टाइम आया मेरे लिए सो एम इन्जॉइंग दिस जब तक आप इन्जॉय करो ना ऐसे मतलब मन को मार के कुछ नहीं करना चाहिए तो मैं जो भी करती हूँ मैं पूरे मन से करती हूँ और आई एम आई एम गिविंग इट माई हंड्रेड परसेंट तो हाँ मैं थक जाती हूँ लेकिन इट्स वर्थ इट जब मैं आपके रिएक्शंस को देखती हूँ जब मैं मैं मुझे इतना प्यार मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जो मैं एफर्ट डालती हूँ ये वर्थ है हेलो हेलो योर लेफ्ट हैंड साइड या शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगज़ीन मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है जिस तरह से आपने फिल्में बनाई है इन सिनेमाज़ में काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर फिल्में रही है छोरी हो या फिर जलसा हो अभी सूखी भी है तो फिर क्या कुछ खास वजह रही है काफ़ी जो मोस्टली फिल्में आपने बनाई है वो वुमेन औरिएंटेड रही है एम्पावरमेंट को लेकर रही है Uh, उसको लेकर जानना चाहेंगे एंड लास्ट इज जिस तरह से उन्होंने कहा शिल्पा जी ने कि आठ महीने आपने वेट किया उनका तो ऐसा क्या खास वजह थी कि उनके लिए आप रुके कि ये किरदार उनको ही uh, प्ले करना चाहिए पहले वो नहीं बोलना टू योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट देयर कुड बी नो अदर सुखी सोनल एंड आई हैव अ वेरी क्लियर वैन वी वर राइटिंग दिस वैन द फर्स्ट ड्राफ्ट गेम टूगेदर दिस वॉज दी ओनली एक्टर दैट वी हैड इन माइंड हमने कभी इस स्क्रिप्ट में सोनल ने कभी अपने विजन में और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ हमने कोई दूसरी सुखी कभी नहीं देखी ये आठ महीने से ज़्यादा भी हमें वेट कराती तो हम कर लेते लेकिन हम ये फिल्म शिल्पा के साथ ही बनाते प्लीज़ इस बात पे ज़रा गौर करें जितने भी फिल्म वाले देख रहे हैं इस इंटरव्यू <laughs> <laughs> को हाँ वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दीज फिल्म्स चूज अस एट अबंडशिया एंटरटेनमेंट हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स बनाएंगे बट एक सेंसिबिलिटी है एक डीएनए है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दैट आर विमेन विमेन क्रिएटर्स एक इतनी कमाल की स्टेटिस्टिक थी कि 2022 में 23 में सिक्स ऑफ आर डायरेक्टर्स एट द सेम टाइम वर विमेन एंड आई एम प्राउडेस्ट ऑफ दैट फैक्ट और जहाँ तक बात रही जो आपने कुछ कमाल की फ़िल्में गिनाईं इनमें शकुंतला देवी भी थी जो 2020 में रिलीज़ हुई थी बाकी आपने कुछ नाम लिए शेयर नहीं थी इतने कमाल के कैरेक्टर्स हैं इतनी कमाल की कहानियाँ हैं Uh, women make our world go round. Why can we not find these characters and tell these stories? How can we not tell these stories? So, we are privileged and fortunate that we get an opportunity to tell these stories, and you can expect a lot more from us in the future as well. Hello. Hi. Amar, this side. Kusha. Uh, today is a big day for you, purely as an actor, from baby steps in acting to now two trailer launches of your film. You have come a long way, and now suddenly people are saying that Kusha is everywhere, but have, being someone who has seen your journey right from the days where you used to uh, make videos for IDva and do skits with actors while they were promoting their films, now you are there on that side. Uh, so what do you have to say about this your journey, and did you always manifest to be an actor? I think be being an actor from where I come from is an audacious dream to have as matlab. मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे सोचना कि हम एक्टर बनेंगे ऐसा नहीं होता था हम हमारा वही ड्रीम था कि कुछ करेंगे पढ़ेंगे जॉब करेंगे बिकॉज़ इट्स अ रिडिकुलस ड्रीम टू हैव तो कभी ऐसे मैनिफेस्ट तो कभी किया ही नहीं था पर हाँ मतलब हमेशा स्कूल uh, में परफॉर्म किया था या एक्टिंग की थी थोड़ी बहुत कॉलेज uh, में करा हुआ है हमने एक्चुअली दोनों ने नुक्कड़ नाटक सुना और मैंने पर मैंने वो एक ही साल किया था

Just, I can't believe, I'm doing this <laughs> तो इट वॉज बोलिए टू थ्री फोर आग से देखो <laughs> आग से देखो कान लगाओ मन मंदिर के दीप जलाओ एक, एक कहानी हम है सुखी बदलाने तुम को है आए आगे बोलिए आगे, आगे बस इतना ठीक है आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी वैलिड है बट टू आंसर योर क्वेश्चन आई एम वेरी ग्रेटफुल मतलब इससे बड़ा दिन तो मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकता आई एम वेरी एक्साइटेड माई फैमिली इज़ वेरी एक्साइटेड माई फ्रेंड्स आर वेरी एक्साइटेड आई एम मिसिंग होम एक्चुअली बिकॉज इतने बड़े दिन पे आप चाहते हैं कि आप Uh, आपकी फैमिली और आपकी आपके फ्रेंड्स आपके आसपास हो सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग बट आई हैव टू टेल यू कि मैंने शिल्पा मैम के साथ भी प्रमोशनल वीडियोस करे हुए हैं और uh, हम इस फिल्म से पहले उसके लिए मिले थे और तभी हमें कितना मजा आया था साथ में काम करने के लिए तो uh, मैम ने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि अरे तुम मेरी दोस्त बन रही हो अरे मज़ा आएगा मज़ा करेंगे सेट पे तो आई थिंक वो एक जो एफमेशन था जो उनसे मिल गया था एक रीअश्योरेंस मिल गई थी फिर तो उसके बाद हमने रायता फैलाया ही है और इन्होंने संभाला एडिट में तो या

बट हर एक की जिंदगी में कठिन पल आते हैं uh, तो शिल्पा एंड दी अदर लेडीज़ में आपसे जानना चाहूंगा कि उन कठिन पल में uh, इंसान एक वक्त की सुखी कैसे पा, सुख कैसे पा सकता है एक की सुखी। एक वक्त वक्त की का सुख देखिए मैं योगी हूँ योगी नहीं हूँ तो वो वातावरण मैं क्रिएट करती हूँ दुख में हो, सुख में हो, मैं सेम ही हूँ और uh, और सुखी होना चाहते हैं बस प्राणायाम करें बिकॉज मैं बोलती रहती हूँ कि प्राण पे आयाम का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब वो हो जाता है तो देन यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड यू नो यू यू नो वन एल्स कैन मेक यू सैड और हैप्पी हैप्पीनेस इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड राइट तो आपको चीज़ों को पहली बात तो आ, खुद में बिलीव होना चाहिए कि दिस इज़ माई ट्रूथ एंड देन नथिंग कैन स्टर यू आप और मेक यू अनहैप्पी हाँ यू विल हैव योर लोज देर मे बी सर्टन टाइम्स वेयर यू विल फील के अरे यार इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूँ तो फिर फेथ तो प्राणायाम और देन ओम साई थिंक दुख से कैसे डील करे वो हर किसी के अपने तरीके होते हैं मेरा तरीका यह है दट आई यू शुड बी ग्रेटफुल वन थिंग इज गोइंग रॉन्ग आई एम शोर द अदर टेन थिंग्स विच आर गोइंग राइट मे बी योर नॉट पेइंग अटेंशन टू द राइट थिंग्स बिकॉज दे गोइंग राइट एंड यू इग्नोर देम बट अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो दस अच्छी चीजें अच्छी हो रही हैं और वो ठीक हो जाएगा टाइम ही एवरीथिंग जस्ट हैव पेशेंस बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ यू हैव एंड जस्ट मूव फॉर्ड लुक फॉरवर्ड दाउ आई डील विद इट आई वॉन्ट Sorry, a philosophical answer. Nahi dungi. <laughs> For me, it's friends, yeah. It's just friendships and those though which kind of bring you out of uh, whatever situation that you're in. So yeah. Hello. We'll J have a Hello. last Hello. We'll have a last question, please. This is the Jaitanya. last question. Hi, Chaitanya. we'll take Our the last question. question. Uh, now, uh, मैं तो पहले बहुत सरप्राइज था जब uh, uh, ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी एंड द सेकेंड बिगेस्ट सरप्राइज वॉज दैट शिल्पा इज देयर इन द फिल्म आई एम ऑपोजिट बहुत खुशी हुई बिकॉज आई मीन शी सच अग स्टार सो सो फॉर मी टू वर्क विद मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आई वाज वेरी हैप्पी वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ था जब इनके साथ मैंने काम किया तो जो uh, uh, हमने जो कॉमरेडरी फॉर्म की सेट पे और जैसे वातावरण था सेट सेट का आई थिंक वो इतना खूबसूरत था कि इनके साथ काम करके बहुत मजा आया वन वन लास्ट क्वेश्चन चैतन्य सर थैंक यू हेलो शिल्पा जी लुक यर सर थैंक यू सो मच यू हैड योर चांस थैंक यू वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज यस आई एम दीपक पांडे फ्रॉम भारत ट्वेंटी फोर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शाहरुख सर के साथ बहुत सी फिल्में किए हैं आप जी हाँ हाँ काम तो किए हो ना शाहरुख सर के साथ आगे भी करोगे आप अभी हाँ जी शाहरुख सर का जवान आ रही है अभी आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा क्या कुछ बताना चाहोगे आप

Uh, uh, मैं जानना चाहूँगा दो क्वेश्चन है कि री की बात करते हैं तो कभी ऐसे बहुत बार होता है बहुत साल तक हम यू you नो know, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँगा तो किसी से री हुआ है बहुत साल पहले उनके साथ आपने कुछ काम किया होगा और मे बी शायद रिसेंटली आपने कुछ काम किया और आप कुछ शेयर करना चाहोगे उस बारे में आई हैव अनदर क्वेश्चन देट शिल्पा शिल्पा टू यू आ, आ, नहीं हम तो मिलते रहते हैं यार इंडस्ट्री में ही है तो बस कोविड कोविड ही ऐसा टाइम रहा जहाँ पे हम किसी से मिल नहीं पाए आ, और अगर मिलना नहीं होता है तो वो भी मेरे चॉइस की वजह से अच्छा और कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहती मैं अच्छा दूसरा आपने कहा कि राज ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उनको कुछ कुछ सीन बहुत पसंद आए मैं अगर कहूँगा तो यू नो एक घर घर की कहानी अंडरवेयर की यू नो तो आप कभी ऐसा होता है लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातन कभी इस तरह से हुआ कि राजने कभी आपसे इस तरह की <laughs> ये आई डोंट थिंक आपको मैम सवाल का जवाब देना चाहिए <laughs> um, नहीं <clears throat> उसके बारे में तो मुझे कभी पूछा <laughs> नहीं गया है लेकिन आई थिंक हर पति पत्नी के रिश्ते में आ, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और वो स्ट्राटा कोई भी हो यू you नो know, whether योर लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास रिच एक वो जो रिश्ता होता है और जो बेडरॉक होता है हर रिश्ते का मैं बोल रही हूँ शादी के रिश्ते का वो होता है ट्रस्ट फेथ फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप का होना बहुत जरूरी है एंड आई थिंक उसी पे थोड़ा सा सोनल uh, ने एम्फिस किया है कि बहुत बारी uh, कुछ रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है स्पेशली बीवी को और हस्बेंड्स को लगता है कि ये मतलब करना ही है तो वीमेन ओनली हैव टू हैंडल ऑल दिस वो साथ क्यों नहीं देते थोड़ा सा अगर हेल्प कर दे तो फिर इट यू नो द मैरिज विल बी सच हैप्पी मैरिज तो इट्स सो सिंपल हम एक्चुअली ना अपनी जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं तो जस्ट टू मेक इट सिंपल उसी के बारे में हमने बात की एंड आई थिंक राज की मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है एंड हम दोनों बहुत मिडिल क्लास हैं तो उस चीज़ को हम जानबूझ के आई थिंक वी वॉन्ट दैट दैट दोडिल क्लास वैल्यूज टू स्टिल यू नो बी देर तो हम साथ में खाना खाते हैं बच्चों के साथ खाते हैं ये सारी चीज़ों के साथ हमारी परवरिश हुई है सो आई थिंक दैट्स वेर इट्स लाइक इट्स इट्स अ वेरी नॉर्मल रिलेशनशिप थैंक थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड वील एंड द क्वेश्चन गेट Uh, you know, few more minutes for photos. So I'd uh, like to request each one of you to please stand up and we'll take the ultimate Suki selfie. Egg bar